हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई लेक्चर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 12 एंड टुडे विल बी डूइंग सम टॉपिक्स बेस्ड ऑन एडवर्सरियल सर्च। सो व्हाट इज एडवर्सरियल सर्च? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ गेम सर्च। तो हम देखते हैं कि एआई के अंदर जो रिसर्चर्स थे उनका बहुत बड़ा ये मेन जो गोल था कि हाउ वी कैन प्ले गेम अगेंस्ट ह्यूमन, हाउ वी कैन मेक अ प्रोग्राम विच कैन प्ले गेम्स अगेंस्ट ह्यूमंस एंड दे कैन डिफीट ह्यूमंस। तो इसके अंदर बहुत सारे, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है गेम्स पर हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्योंकि गेम्स, कुछ ऐसी गेम्स होती हैं, वी रिक्वायर इंटेलिजेंस टू प्ले दोज गेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल चेस है, ठीक है, जो बोर्ड गेम्स जो रहती हैं, तो वी रिक्वायर इंटेलिजेंस फॉर प्लेइंग दोज गेम्स। सो सपोज इफ़ वी आर एबल टू मेक अ प्रोग्राम, अगर हम एक ऐसा प्रोग्राम बना दें जो ह्यूमंस के साथ खेल कर ह्यूमंस को हरा दे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चेस है, तो अगर हमारे पास कोई चेस का चैम्पियन है और हमने एक प्रोग्राम बना दिया जो उस पर्टिकुलर चैम्पियन को अगर हरा दे, तो हम ऐसा पूछते हैं कि वी हैव अचीव दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो चीज़ को ह्यूमंस कर सकते हैं उसको प्रोग्राम और कंप्यूटर्स भी, मशीन्स भी कर सकते हैं। तो विल स्टडी दिस, हाउ, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर गेम सर्च। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। दिस इज सम ऑफ द डेफिनेशंस व्हिच वी विल यूजिंग, लाइक फर्स्ट इज अ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। तो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट में क्या, हाउ डू वी डिफाइन दिस मल्टी एजेंट? सो द एनवायरनमेंट इन विच ईच एजेंट टेक्स एक्शन कंसिडरिंग द एक्शंस टेकन बाय द अदर एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्शन एजेंट लेगा वो दूसरे के एक्शंस के पर भी बेस्ड होगा। एक तो एनवायरनमेंट, उसको क्या परसीव, वो एनवायरनमेंट से क्या परसीव कर रहा है, क्या उसे इनपुट्स मिल रहे हैं, और दूसरे एजेंट्स के एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट होगा दैट इज अ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। नाउ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, वन इट कैन बी कोऑपरेटिव और इट कैन बी कॉम्पिटिटिव। तो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को बोलेंगे कि जो मल्टी एजेंट्स, जो भी दूसरे एजेंट्स हैं, दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, और गोल्स जो भी आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में क्या होगा, दैट एजेंट्स आर कंपीटिंग ईच अदर एंड दे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। ठीक है, एक का गोल ये, दूसरे का गोल दूसरा कुछ है, तो दे आर कंपीटिंग, दोनों में रेस लगी हुई है, एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वी हैव सम कॉन्फ्लिक्ट, सो सर्च इन सच एनवायरनमेंट्स इज कॉल्ड एज एडवर्सरियल सर्च। ठीक है, सो इन विच टू एजेंट्स दे आर कंपीटिंग ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर, तो ये जैसे इसको बोलते हैं गेम सर्च भी इसे कहा जाता है। तो सबसे कॉमन फॉर्म, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हम बोलेंगे गेम सर्च का एआई के अंदर, वी हैव डिटर्मिनिस्टिक गेम्स। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि हम जो भी मूव लेंगे उसका आउटकम को मालूम है क्या होने वाला है। देन वी हैव टर्न टेकिंग। टर्न टेकिंग का मतलब क्या है, प्लेयर वन प्लेस देन प्लेयर टू देन वन टू, ऐसा अगर दो प्लेयर गेम है तो दोनों आपस में खेलते रहेंगे एक के बाद एक के बाद, सो वी हैव टू प्लेयर टर्न टेकिंग। एंड जीरो सम गेम्स ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। नाउ जीरो सम गेम का मतलब ये है कि इफ द विनिंग प्लेयर इज गेटिंग प्लस वन पॉइंट, तो लूजर विल गेट माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन बिकम जीरो। बट ऑल द गेम्स आर नॉट ऑफ सच केस, जरूरी कि दोनों को ऐसा हो, मगर एक जीरो सम गेम्स एक टर्म यूज किया जाता है गेम प्रोग्रामिंग के अंदर, और वो बहुत सारी थियरीज है इसमें इसे यूज किया जाता है। इसे हियर वी आर यूजिंग दैट जीरो सम गेम्स। So if a player wins, he get plus one. So the natural, the loser will get minus one. So that plus one minus one becomes zero. So ये इसलिए term use किया जाता है. So this is what we have in case of adversarial search. Now we'll see the different games. Okay, starting with very simple case. Now as in the previous cases, we have seen how we can go to the goal state by searching through various algorithms. So main AI में क्या, we have to search for the solutions. So as to achieve the goal, try to reach the goal or reach a goal. So here we can consider game as a search problem. So game को search problem की तरह consider कर सकते हैं. So a game can be defined as a kind of search problem with the following elements. तो यहाँ पर क्या है, if a machine is competing against a human, तो वो machine जो है ये search tree पूरी create करेगा इस तरह की, वो देखेंगे हाउ आई रीच द गोल स्टेट, कैसे मैं जीत जाऊँ, कैसे मुझे ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाए, तो उसे एक सर्च ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये सर्च ट्री के अंदर, जैसे पहले केसेस में हमने देखा था, हाउ दिस सर्च ट्री, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सर्च ट्री, तो सबसे पहला इसमें रहेगा इनिशियल स्टेट। तो ये इनिशियल स्टेट ये डिफाइन करेगा हाउ द गेम स्टार्ट्स। कोई भी गेम देखते हैं स्टार्ट होती है, वो बहुत सारे गेम्स है, चेस का गेम है
या और एनी बोर्ड गेम, तो जब इनिशियली स्टार्ट होती है तो उसका स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे, इनिशियल क्या स्टेट रहेगा? तो हर 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 गेम का अपना एक इनिशियल स्टेट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन प्लेयर्स, तो ये प्लेयर प्लेयर क्या डिफाइन करेगा, इट डिफाइंस विच प्लेयर हैज़ द मूव इन अ स्टेट, कौन सा प्लेयर जो है स्टार्ट करेगा गेम को, ठीक है। देन एक्शंस, ये एक्शंस क्या, इट रिटर्न्स द सेट ऑफ लीगल मूव्स इन अ स्टेट, यानी अगर जो भी एक्शन लेना है कभी भी एट द स्टार्ट ऑफ द गेम और इन द मिडल ऑफ द गेम, कभी कोई भी किसी को मूव लेना है तो कुछ लीगल मूव्स रहते हैं, कुछ इलीगल मूव्स रहते हैं, यानी हर ऐसा नहीं कि जैसा हम तुमको चाहिए वैसा खेल सकते, देर आर सम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी गेम के रूल होते हैं, ठीक है ना, हर हर गेम के अपने अपने रूल होते हैं, तो वो डिफाइन करेगा लीगल एक्शंस। जैसे अगर हम चेस देखते हैं, चेस के अंदर पॉन्स होते हैं, ठीक है, देन वी हैव नाइट, वी हैव किंग, वी हैव क्वीन, तो किंग कितना चल सकता है, कहाँ चल सकता है, क्वीन कितनी जा सकती है, कहाँ जा सकती है, ये सब जैसे वो चेस के अंदर है वैसे दूसरे गेम्स में भी डिफाइंड है। देन रिजल्ट, रिजल्ट क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि एक पर्टिकुलर लीगल मूव जिसने लिया है जो प्लेयर ने, तो अब उसका हमको रिजल्ट क्या मिला है। जैसे इसने एक आगे बढ़ा है, ठीक है ना, एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो पहले बोर्ड की पोजीशन ये थी, अभी ट्रांजिशन हमें ये मिल रहा है, ये इसका रिजल्ट मिला हम लोगों को, ठीक है, ये पर्टिकुलर मूव के बाद। देन वी हैव अ टर्मिनल टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट ये चेक करेंगे कि वेदर द गेम इज़ ओवर नॉट, यानी गेम ओवर हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारे जैसे हम देखते हैं कोई भी गेम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल चेक चेस है, तो चेस में चेक मेट हो गया तो एक कंडीशन है जिससे गेम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, या और भी दूसरे भी कंडीशन जिससे जो गेम जो ड्रॉ में चला जाता है कि कोई चेक मेट नहीं हुआ तो ड्रॉ भी गेम हो जाता है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि टर्मिनल टेस्ट क्या चेक करेगा कि गेम ओवर हुआ है कि नहीं हुआ है, सो वी दैट टर्मिनल टेस्ट इज डन आफ्टर ईच मूव, ठीक है। देन यूटिलिटी, द लास्ट वन इज़ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी क्या डिफाइन करेगा कि अगर व्हेन द गेम फिनिशेस ऑफ, जब गेम ख़त्म हो गया तो टर्मिनल स्टेट पर रीच करने पर हर प्लेयर के पॉइंट्स, हम बोलते हैं ना पॉइंट्स, किसी को भी पॉइंट्स देते हैं हम लोग, तो व्हाट इज़ द यूटिलिटी फंक्शन, यानी उसको कितना मिला, व्हाट आर द फाइनल वैल्यू, ठीक है ना, ये प्लेयर को कितनी फाइनल वैल्यू, ये प्लेयर का पॉइंट कितना है एंड सो एंड सो, ये दूसरे प्लेयर का पॉइंट कितना है, तो दैट इज़ द यूटिलिटी वी वुड डिफाइन। तो दिस आर द सिक्स एलिमेंट्स इन द केस ऑफ गेम सर्च। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सर्च ट्री, वी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ टिक टैक टो गेम, तो एवरीबडी नोज दिस गेम, टिक टैक टो कैसे खेलते हैं। सो हियर वी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल टू फंक्शंस, अ मैक्स एंड अ मीन, ये हम ऐसा बोलेंगे दो प्लेयर डिफाइन करेंगे, मैक्स एंड मीन, ठीक है। नाउ आगे हम एक थ्योरम भी देखेंगे इसके बेस पर। तो व्हाट इज दिस टू आर मैक्स एंड मीन का मतलब ये है कि मैक्स जो है वो एक्स पुट करेगा और मीन जो है वो ओ पुट करेगा, तो वी हैव टू प्लेयर्स मैक्स एंड मीन। तो मैक्स का ये गोल है कि वो इस तरह से गेम खेले ताकि लास्ट में उसे जो यूटिलिटी, जो लास्ट का फाइनल रिजल्ट मिले, उसमें जीरो, इसमें प्लस वन लाना है, ठीक है। एंड मीन इस तरह से खेलेगा कि उसे जो है माइनस वन लेके आना है, लास्ट में यूटिलिटी को माइनस वन करना है। तो अगर लास्ट में यूटिलिटी, यानी जब गेम ख़त्म होगा, इफ़ द फाइनल यूटिलिटी इज़ माइनस वन, मीन जीत जाएगा, और अगर प्लस वन है तो मैक्स जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, वी क्रिएट अ सर्च ट्री, एक सर्च ट्री हम क्रिएट करते हैं, ऑफकोर्स देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ नोड्स। तो इनिशियली सब के सब जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं, जो हमारे पास नाइन स्क्वायर्स हैं, ये सब के सब ब्लैंक रहेंगे। तो फर्स्ट मैक्स स्टार्ट्स, जब मैक्स स्टार्ट करेगा तो मैक्स के पास जो है देर आर नाइन प्लेसेस, नौ जगह है जहाँ पर वो एक्स पुट कर सकता है। जैसे यहाँ पर एदर इट कैन पुट एक्स हियर और एक्स हियर और एक्स हियर एनीवेयर, ये हम देखेंगे दिस आर नाइन पॉसिबिलिटीज, ये नाइन पॉसिबिलिटीज जहाँ पर वो एक्स पुट कर सकता है, ठीक है। तो ये टर्न टेकिंग गेम है, तो पहले मैक्स खेलेगा, उसके बाद ना मीन स्टार्ट्स, मीन जब मीन को खेलना है, तो अब हर पर्टिकुलर जो उसने एक्स पुट किया है, जैसे ये एक्स पुट किया है, तो मीन के पास अभी आठ जगह है जहाँ पर वो ज़ीरो पुट कर सकता है। जैसे इसके बाद ये यहाँ पर हमारे पास है, तो हर एक के लिए वैसे नाइन पॉसिबल एट पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी। जैसे अगर सपोज मीन ने मैक्स ने अगर एक्स यहाँ पुट किया होता, तो मीन जो है ये ज़ीरो पुट करने के लिए बस आठ जगह हो सकती थी। अगर मैक्स ने एक्स यहाँ पुट किया होता तो बाकी आठ जगह हमें यहाँ होती थी, इसके बाद फिर बाद में ये खेलेगा। तो वैसे हम सर्च ट्री पूरा क्रिएट करेंगे एंड देन फाइनली वी कम टू द टर्मिनल स्टेट। तो टर्मिनल स्टेट यहाँ पर हमें दिखा है ना उसी, अगर हम यहाँ पर पूरा ट्री क्रिएट करेंगे तो इम्पॉसिबल है पूरा ट्री क्रिएट करना, बिकॉज
इसमें जो नंबर ऑफ टर्मिनल नोड्स जो मिलेंगे, जो लास्ट में मिलेंगे, दे आर 9 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर नंबर नाइन, सो दिस 9 फैक्टोरियल जो अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी थ्री, सॉरी, इट कम्स आउट टू बी 3,62,880, इतने सारे नोट्स, वी विल गेट सो मेनी नंबर ऑफ नोट्स, सो देर आर 3,62,880। तो ये जो टर्मिनल नोड्स हैं हमारे पास, ये 3,62,880, ठीक है। तो इतने सारे नोड्स हमें मतलब यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर मैंने हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ सच लार्ज नोड्स। एंड ऑफ कोर्स अगर हम ये देखेंगे कि इफ वी वांट टू क्रिएट अ सर्च ट्री, तो वो जो मशीन होगा, जो कंप्यूटर होगा, उसे इतने सारे इतने नोड्स उसे क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके उसे एक पाथ पता चलेगा कि कौन से पाथ से उसे ऐसा खेलेगा कि उसे दैट कंप्यूटर विंस, ठीक है। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द टिक टैक टो, वेरी सिंपल गेम। नाउ इमेजिन अगर यही सर्च ट्री अगर हम चेस गेम में होता, तो चेस गेम में हमारे पास अलग अलग पीसेज होते हैं, पॉन्स हैं, ठीक है, देन वी हैव नाइट, देन रूक, अलग अलग जो होते हैं, ठीक है, तो किंग है, क्वीन है, तो सबकी मतलब जो जो चाल है, मतलब कैसे चलेगा वो, ठीक है, वो सबका डिफरेंट है। तो अगर वो केस में, अगर चेस में अगर सपोज हम सर्च ट्री क्रिएट करने जाते, तो देर वुड बी अराउंड 10^40 टर्मिनल नोड्स। नाउ 10^40 इज एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, इसे मतलब हम कहीं स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे मेमोरी हम हमारे पास मिलेगी पूरे पूरे दुनिया के जितने हैं सब के सब, अगर हम एटम्स भी यूज़ करेंगे तो भी हम डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे, सर्च करना तो दूर की बात है, ठीक है। तो सर्च ट्री इज दिस वन। तो हम अभी देखेंगे आगे कि हाउ टू मेक अ स्ट्रेटजी, तो हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी। अगर हम ये सर्च ट्री से करने जाएंगे तो हमें सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा, तो हम क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम देखें हाउ मशीन कैन प्ले अ गेम, ठीक है, दैट विल सी शॉर्टली। नाउ वी कंसिडर द मिनी मैक्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, वी हैव अ 2-ply गेम। तो 2-ply का मतलब क्या होता है, मैक्स खेलेगा, ठीक है, तो दैट इज़ 1-ply, एंड मीन खेलेगा तो ये 1-ply। तो वन मूव हम बोलेंगे ना, वन मूव क्या है, वन मूव इक्वल टू 2-ply, ठीक है। तो ये प्लाई क्या मतलब, ये मैक्स स्टार्ट करेगा गेम, मैक्स खेलेगा, देन मीन खेलेगा, तो देन फाइनली वी हैव दिस इज़ द फाइनल। तो हमारे पास ये सिंगल एक मूव का गेम है, और लास्ट में जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज़ द यूटिलिटी फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, मैक्स वो हमने ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया है, और मीन को जो है हमने ये ट्राइंगल, उल्टे ट्राइंगल से हमने उसे मतलब रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, रेड एंड ग्रीन वाला। सो मैक्स ये देखेगा, ये सर्च स्ट्रेटेजी, अगर सपोज हम एज्यूम करते हैं कि मैक्स एंड मीन बोथ आर प्लेइंग ऑप्टिमली, यानी सबसे बेस्ट में बेस्ट पॉसिबल मूव से खेलेंगे, तो मैक्स जो है ये वो मूव और वो उस तरह से खेलेगा कि यूटिलिटी फंक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और मीन वो मूव्स देगा जिससे यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। नाउ सपोज इफ आई नेम दिस नोड्स, लाइक मैं ऐसे सपोज ये ए, ये ब्रांच को मैंने ए नाम दे दिया, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सपोज सी। सो नाउ मैक्स स्टार्ट्स, तो मैक्स ने पहले क्या करेगा, पहले ये नोड को एक्सप्लोर करेगा, तो उसने क्या देखा, ए से यहाँ पर मीन पर आया है, ये मैक्स मैक्स ने ये लिया है, तो अभी मीन स्टार्ट करेगा, तो मीन के पास यहाँ पर क्या, इट हैज़ अ वैल्यू A1, सपोज A2 और A3, ये तीन ब्रांचेज है, ए से यहाँ पे तीन ब्रांचेज बन रही है। तो मीन क्या देखेगा, जब मीन इसे एक्सप्लोर करेगा तो देखेगा 4 है, ये देखेगा 5 है, और ये देखेगा 7 है, तो तीनों में उसे पता है कि सबसे जो उसके लिए बेस्ट वैल्यू सबसे कम है, तो ये 4 सिलेक्ट होगा, ठीक है। नाउ मैक्स गोज टू द अदर नोड्स, तो मैक्स को पता है कि अगर मैं बी एक्सप्लोर करूँगा, तो बी से एक्सप्लोर करेंगे तो वी हैव 3 नोड्स, सपोज दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3, ओके। सो नाउ मीन जब खेलेगा यहाँ पर, तो मीन क्या करेगा, ये तीनों में से देखेगा कि अगर ये होगा तो 2 मिलेगा, B2 अगर वो एक्शन लेगा तो 4, B3 लेगा तो 5 है, तो सबसे मिनिमम 2 है, तो ये 2 रिटर्न करेगा यहाँ पर, ठीक है। देन ये मैक्स जो है सी को एक्सप्लोर करेगा। नाउ सी दिस इज़ वी आर एक्सप्लोरिंग, अभी कोई स्टेप हम लेते नहीं हैं, हम सिर्फ एक्सप्लोर करके देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या सबसे बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, आप आउटकम क्या आएगा। अगर मैक्स और मीन दोनों अगर ऑप्टिमली सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में खेलेंगे, तो व्हाट इज़ द आउटकम। तो मीन, अब मीन की बारी है, तो मीन क्या देखता है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 6 है, तो इसके लिए मीन के लिए बेस्ट वैल्यू इज 3 आउट ऑफ दिस 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं, वी हैव
थ्री वैल्यूज़। वन इज़ हमारे पास यहाँ पर हम ये नोड को देखेंगे तो वी हैव थ्री वैल्यूज़, वन इज़ फोर, टू एंड थ्री। नाउ मैक्स विल ऑफ कोर्स इट विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो लास्ट में जो हमको वैल्यू मिलेगी ये फोर मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द सर्च स्ट्रैटेजी वर्क्स, दिस इज़ हाउ द मिनी मैक्स एल्गोरिथम विल वर्क, ठीक है। मैक्स जो रहेगा वो ये एक्सप्लोर करेगा, फिर मीन एक्सप्लोर करेगा, तो यहाँ पे देखा ये फोर टू थ्री है, तो ये जो वैल्यू है, तो ये अगर हम पूरा फाइनल, अगर हम पूरा सर्च पाथ अगर ड्रॉ करने जाएंगे, सर्च पाथ, सो द फाइनल सर्च पाथ जो हमको मिलेगा, आई विल ड्रॉ विद दिस ब्लैक वन, तो ये दिस इज़ द फाइनल सर्च, ये मैं इसे मार्क सॉरी इसे ये कर रहा हूँ, तो दिस इज़ द फाइनल पाथ, कि ये पाथ, ये जो फाइनल पाथ हमको मिलेगा, दिस इज़ द पाथ, ठीक है। दिस इज द गोल, दिस इज हाउ द गोल विल बी रीच, सो दिस इज हाउ द मिनी मैक्स एल्गोरिथम वर्क्स, ओके। नेक्स्ट वी सी ऑप्टिमल डिसीजंस इन मल्टी प्लेयर गेम्स। इसके पहले जो हमने देखा ना वो था टू प्लेयर गेम, नाउ सपोज इन दिस केस वी हैव द थ्री प्लेयर गेम, वी हैव ए बी एंड सी, यहाँ पास तीन प्लेयर्स हैं ए बी सी, तो ये केस हम देखेंगे हाउ वॉट इज द स्ट्रेटजी, ये कैसे वर्क करेगा। तो तीन प्लेयर हमारे पास हैं, ठीक है, दिस इज़ द यूटिलिटी फंक्शन एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन ये है। नाउ सपोज ए के पास खेलने की बारी है, तो ए हो सकता है कि ये खेले, तो ये केस में क्या होगा, ए दिस वन इज द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ ए, दिस इज ऑफ बी एंड दिस इज ऑफ सी, तो उसके वो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं मूव लेता हूँ तो बी का फ़ायदा होता है और सी का नुकसान होता है, और यहाँ पे करूँगा तो जो वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये केस में वो क्या डिसीजन लेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड देन इफ बी प्लेस, तो बी के पास अगर ये खेलता है तो ये देखता है कि ए का भला हो जाएगा, ए के पॉइंट बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे जाएगा तो इट विल सी दैट इट द रिमेन द थिंग्स रिमेन द सेम, ठीक है। तो इन मल्टीप्लेयर गेम्स समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अलायंसेस आर मेड, टेम्पररी अलायंस, जैसे मे बी इट मे पॉसिबल दैट ए एंड बी दे मेक अ अलायंस, वो सी के खिलाफ अलायंस बना देंगे, वो ये बात की कोशिश करेंगे कि हम दोनों मिल जाएंगे, साथ में खेलेंगे और सी को हमको हराना है, ठीक है। टेम्पररी अलायंस में भी मेड अगेंस्ट सी, सो इट डिपेंड्स कैसे वो गेम प्रोग्रेस करता है। सो दिस इज द सर्च ट्री फॉर अ मल्टी प्लेयर गेम, ठीक है, दिस इज द फाइनल यूटिलिटी फंक्शन, तो इट डिपेंड्स ऑन वॉट डिसीजन आर टेकन बाय एट द ईच नोड। नेक्स्ट वी सी द अल्फा बीटा प्रूनिंग। सो ये टेक्निक में हम क्या देखेंगे कि वी कैन एक्चुअली प्रून का मतलब है उस पार्ट को निकाल सकते हैं। तो हमने जो इसके पहले जो टॉपिक स्टडी किए थे मिनी मैक्स एल्गोरिथम, तो सेम स्ट्रक्चर सेम ट्री यहाँ बनी हुई है। तो मिनी मैक्स में हमने क्या देखा था, वी नीड टू सर्च टिल द रूट टिल द लीव्स, यानी यहाँ पे हमको नौ लीफ नोड स्टडी करनी पड़ेंगे, टर्मिनेट जो हमें जो टर्मिनल नोड्स हैं यहाँ पे नौ के नौ हमें स्टडी मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके हमें आउटपुट मतलब समझ में आएगा व्हाट विल बी द आउटकम। बट वन ऑफ द टेक्निक कॉल्ड अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये टेक्निक यूज़ करके हम देख सकते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सर्च फॉर ऑल द टर्मिनल नोड्स, वी कैन एक्चुअली स्टॉप सर्चिंग, ओके, एंड वी कैन सेव मच टाइम, ठीक है, हम टाइम बचा सकते हैं, सब के सब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन प्रून प्रून मतलब इतने पार्ट को हटा सकते हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि सर्च जल्दी हो जाएगा, ओके, एंड वी रिक्वायर लेस मेमोरी अमाउंट ऑफ मेमोरी। सो सी हाउ दिस वर्क्स, सिमिलर जैसे पहले हमने देखा था कि ये पहले मैक्स जो है ये पहले इसे एक्सप्लोर करेगा, सो दिस इज ए, तो ए में इसने क्या देखा, वी हैव ए वन ए टू ए थ्री जैसे पहले था, सो ये इस यहाँ से मीन सिलेक्ट करेगा, तो मीन विल सिलेक्ट फोर, ठीक है, तो फोर वैल्यू जो है मीन रिटर्न करेगा। नाउ वी एक्सप्लोर द नेक्स्ट नोड, ये नोड जब एक्सप्लोर करते हैं हम लोग बी वाला, तो हियर क्या होगा, पहले बी वन को देखेगा, नाउ बी वन में इसे टू मिल रहा है, ठीक है, इसमें क्या देखा, बी वन में टू है, नाउ टू इज लेस देन फोर, ओके, ये जो वैल्यू हमको मिल रही है टू इज लेस देन फोर, तो अभी हमें ये दो सर्च को ये दो नोड्स को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर मेन इसके आगे सेलेक्ट करेगा तो या तो वो टू से कम रहेगा, ठीक है ना, अगर ज़्यादा रहेगा तो मीन तो सिलेक्ट करेगा ही नहीं, और अगर कम रहेगा तो नुकसान तो मैक्स का होगा, तो ये क्या होगा, ये सर्च को हम प्रून कर सकते हैं, दिस सर्च ये अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो दिस पार्ट इज प्रून। देन वी कम टू द नेक्स्ट नोड, दिस इज कॉल्ड एज अ सी, सी को देखेंगे हम, ठीक है, तो सी को देखेंगे तो पहला वैल्यू हमको मिल रहा है सी वन इज थ्री, नाउ अगेन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दिस थ्री इज अगेन लेस देन फोर,
ठीक है। तो मेन जो है इसके आगे अगर 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 मान लो एक्सप्लोर करेगा भी सपोज, तो अगर वो 3 से कम रहेगा तो भी हम तो उसको मैक्स सिलेक्ट करेगा ही नहीं उसे, और 3 तो ऐसे ही कम मिल गया है, तो आगे चांस है कि अगर इससे 3 से ज़्यादा ही मिलता है, जैसे 7 भी मिलता है, तो मीन तो सिलेक्ट रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दो नोड को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं कि दिस दिस पर्टिकुलर 4 लीफ नोड्स, ठीक है ना, ये पूरा प्रून हो गया है, ठीक है ना, इसको उनको सर्च आगे जाएगा ही नहीं। नाउ इमेजिन इफ देर आर मोर नंबर ऑफ नोड्स, ये तो कितना सारा प्रूनिंग कर से कितना हमारा टाइम बच सकता है, ठीक है। फाइनली हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर व्हाट वी गेट इज अगेन 4, तो ये चारों में सबसे बेस्ट इज 4, तो ये 4 यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो हमने देखा कि अगर पिछले केस में हम कंसिडर करेंगे मिनी मैक्स में, वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल द लीफ नोड्स, मगर अल्फा बीटा प्रूनिंग के वजह से हम कुछ सर्च को जो है टर्मिनेट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो है ना ये सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है ना। यहाँ पर और एक स्ट्रेटेजी मूव ऑर्डरिंग भी है। खैर यहाँ पे हमें वी डोंट नीड टू डू एनी मूव ऑर्डरिंग, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि वी गेट 5 ईयर, 4 ईयर, 2 ईयर, तो वो केस में प्रूनिंग पॉसिबल नहीं होती, इसलिए कि पहले 5 सिलेक्ट होता है एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, फिर यहाँ पर आता, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से मूव ऑर्डरिंग भी है, ठीक है ना, तो मूव ऑर्डरिंग करने की फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मूव ऑर्डरिंग कब करना पड़ता, जब पहला जो सिलेक्शन है वो बड़ा होता, अगर 4 से बड़ा होता और ये रिवर्स ऑर्डर में होता, तो वी हैड टू डू सम मूव ऑर्डरिंग, बट हियर नथिंग इज रिक्वायर्ड। सो दिस इज हाउ अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है, इससे हम बहुत सारा सर्च को जो है कम कर सकते हैं। ओके, नाउ वी सी द एनिमेशन ऑफ मिनी मैक्स एल्गोरिथम। सो फर्स्ट ये देखते हैं हम लोग, ये मैक्स स्टार्ट्स, और ये इसने ये पर्टिकुलर नोड को एक्सप्लोर किया ए को, सो देर आर 3 वैल्यूज वी कैन सी, A1, ओके, A2 एंड A3। सो बिकॉज दिस सिलेक्शन इज डन बाय द मेन नोड्स, तो ये जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा उसे सिलेक्ट करेगा, तो द स्मॉलर वन इज 4, तो 4 आगे बढ़ गया। देन इट सिलेक्ट्स द सेकेंड, ये हम देखते हैं बी वाला इसे नोड को एक्सप्लोर करेगा, तो वी हैव B1, B2 एंड B3। सो द बेस्ट वन फॉर विद रिस्पेक्ट टू मेन इज 2, तो 2 इज सिलेक्टेड। देन इट एक्सप्लोर्स द थर्ड नोड दैट इज C1, सी को एक्सप्लोर करेगा, तो वी हैव C1, C2, C3। नाउ मीन सीज दैट द बेस्ट वैल्यू इज 3, तो 3 सिलेक्ट किया। नाउ हियर यहाँ पर क्या है कि मैक्स सिलेक्ट करेगा, तो आउट ऑफ दिस 3 वैल्यूज द 4 इज द बेस्ट, सो दिस 2 आर रिजेक्टेड एंड 4 इज सिलेक्टेड। सो दिस इज हाउ द मिनी मैक्स एल्गोरिथम वर्क्स। नाउ वी सी द एनिमेशन ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। सेम वे पहले ए एक्सप्लोर होगा, ओके, तो वी गेट वैल्यूज A1, A2 एंड A3। ओके, तो इन दिस केस 4 इज द बेस्ट वैल्यू फॉर विथ रिस्पेक्ट टू मीन, तो 4 इज रिटर्न। नाउ नेक्स्ट नोड इज एक्सप्लोर्ड, नेक्स्ट ब्रांच, तो बी को एक्सप्लोर करेंगे, तो वी गेट B1। ओके, नाउ हम क्या देखते हैं कि B1 इज एक्चुअली 2 एंड B1 इज लेस देन 4, सो वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर B2, B3, इसलिए कि अगर वो ज़्यादा रहेगी तो मीन सिलेक्ट नहीं करेगा, और कम रहेगी तो वो सिलेक्ट कर लेगा, तो ये 4 तो उससे बेस्ट वैल्यू है, सो दिस इज नॉट एक्सप्लोर, तो ये बाकी दो को हम नहीं एक्सप्लोर करेंगे। अल्फाबेट दिस आर दिस आर दिस टू आर प्रून। देन वी गो टू द थर्ड नोड, ये थर्ड नोड एक्सप्लोर किए, वी गेट C1। नाउ C1 विच इज 3, नाउ इफ यू कंपेयर 3 इज अगेन लेस देन 4, एंड इसके आगे एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अगर 7 होता ना, या दूसरा 4 से बड़ा होता, तो हम नेचुरली दूसरी नोड्स को भी एक्सप्लोर करते, बिकॉज दैट वुड रिटर्न अ मैक्स वैल्यू टू द टू दिस मैक्स फंक्शन। सो हियर बिकॉज 3 इज लेस देन 4, सो वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर द नोड्स। सो यहाँ पे मैंने देखा जो क्रॉस किया हुआ है दोज नोड्स आर प्रून्ड, यू नो, इसे एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, एंड वी गेट द सेम आंसर एज वी गॉट इन द केस ऑफ मिनी मैक्स एल्गोरिथम। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग।